हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दक्षास किचन। फ्रेंड्स, आज सभी के लिए खास होम बेस सलाद बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे गाजर लिया है, बीट लिया है, टमाटर लिया है, खीरा लिया है। इसके अलावा अगर आप कैबेज वगैरह लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इन सब का जो माप है वो मैंने फ्रेंड्स बता देती हूँ, मैंने इस कटोरी से माप से लिया है। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कम तो मत ही कीजिएगा, ज़्यादा ही कीजिएगा। जो भी सलाद वगैरह आप डालना चाहते हैं, जो भी वेजिटेबल्स आप यूज़ करना चाहते हैं, वो ज़्यादातर ही लीजिएगा। इसके साथ में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर एक बड़ी टेबलस्पून इस माप से मैंने काली मिर्च ली है, दो बड़े टेबलस्पून चाट मसाला लिया है, 3 बड़े टेबलस्पून मैंने यहाँ पे हनी यानी कि शहद लिया है। यही बहुत ज़रूरी है, ये डाइजेशन से ठीक हो जाएगा और हमें बहुत सारे इन सब वेजिटेबल्स में फ्रेंड्स आपको पता ही है बहुत सारे विटामिन मिल जाएंगे, और इसको अच्छे से करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है। तो चलिए अभी बनाना शुरू करते हैं वेज सलाद। पहले हम एक बाउल ले लेंगे और इसके अंदर जो हमें बेस डालना है वो फ्रेंड्स बता देती हूँ। सबसे पहले हमें गाजर लेना है, गाजर को डालना है क्योंकि गाजर में मीठापन रहता है, तो उसको गाजर को हम डाल देंगे। पहले से अच्छे से फिले कर लेंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा उसके अभी अंदर जो डाल देंगे टमाटर, क्योंकि टमाटर में मीठेपन के साथ में थोड़ा सा खट्टापन आता है, उसे डाल देंगे। और अभी बीट को डाल देंगे क्योंकि इसके भी अंदर भी थोड़ा मीठापन आ जाएगा, यानी कि एक मीठापन एक खट्टापन कैसे लेना है। और सबसे अभी आखिर में डालेंगे खीरे को। अभी इस सबको डाल दिया है फ्रेंड्स, अभी हमें किसी को भी मिक्स नहीं करना है। अब इसके ऊपर हमें डाल देना है शहद को, इस तरीके से ही डालिएगा पूरा, ताकि सभी जगह से नीचे जाते हुए हो सके। ऐसे पूरा निकाल के उसके अंदर डाल देना है। शहद की वजह से जो डाइजेशन का रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, सर्दियों में स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स। ऐसे भी खरबूजे से तो अपना स्किन एकदम से अच्छा रहता है, सर्दी में जो भी वेजिटेबल्स रहते हैं बहुत ही बढ़िया रहते हैं, हमारे सब विटामिन्स मिल जाते हैं। इसलिए अभी फ्रेंड्स इसको हमें मिक्स कर लेना है। और ऊपर इस तरीके मिक्स करने की टेक्निक ये है कि नीचे से लेते हुए ऊपर आ जाइएगा ऐसे, और पूरा शहद हमारे गाजर खीरा टमाटर और बीट के साथ में आ जाए ऐसे लेना है। आप देख सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे गाजर हमारा अंदर मेल्ट होता जाएगा, मतलब अपने शहद के साथ में, और शहद जैसे जैसे सबके साथ मिक्स होता जाएगा तो पूरा टेस्ट एकदम से अच्छे से हो जाएगा, हमें खाने के लिए भी बहुत मज़ा आएगा। पौष्टिक हमें सर्दियों में ऐसे ही फ्रेंड्स खाना चाहिए, सब जो भी सब्जी साग रोटी वगैरह बनाते हैं, दाल भात बनाते हैं, तो आपकी रोजिंदा सुबह में या शाम में भी ये सलाद तो होना ही चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि सर्दियों में ये सारे वेजिटेबल्स ज़्यादा अच्छे और प्योर मिल जाते हैं। अभी हमें डाल देना है काली मिर्च, उसको भी ऐसे थोड़ा थोड़ा मिक्स करते हुए डालते जाइएगा ऊपर नीचे करते हुए, क्योंकि वो एक जगह पे आ जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा, टेस्ट में पूरा आना चाहिए ऐसे। स्मेल भी इतनी अच्छी आ रही है फ्रेंड्स, फिर से ऐसे काली मिर्च डालने की वजह ये है कि थोड़ा सा तीखापन आएगा और हमें टेस्ट में थोड़ा चटपटा लगेगा, क्योंकि तीखे इसलिए हमारी जो टंग है वो एकदम से चस्कारा बुला लेती है। ये पूरा हो गया, और भी उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे धीरे धीरे ही हो जाएगा, पूरा साथ में ले लीजिएगा फ्रेंड्स। अभी आखिर में डालने हैं चाट मसाला। चाट मसाला को फ्रेंड्स हमें उसी तरह डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते हुए करना है, मिक्स करते हुए। आप देख सकते हैं इतना बढ़िया लग रहा है और खाने में भी पौष्टिक है। हमने इंग्रेडिएंट्स जो सामग्री डाली है वो ही इतनी अच्छी और पौष्टिकता से भरपूर है कि हमें रोज़ खाने का मन ही करेगा। बच्चे सब लोग ये एक बार आप उनको खिलाएंगे, यकीन मानिए सब लोग हर रोज़ बता कहेंगे कि मम्मा प्लीज़ ऐसे बनाइए ऐसे बनाइए। और फ्रेंड्स एक खास बात बता देती हूँ, ये तभी बनाइएगा जब आप खाने के लिए बैठते हैं, क्योंकि ये बनने में सिर्फ 5 से 7 मिनट ही हो जाती है। वेजिटेबल्स काटने में हमें 10 मिनट लगती है और सारे बनाने में सिर्फ 5 से 7 मिनट होने हैं, क्योंकि इसे जैसे ही हमारा चाट मसाला लगेगा ना तो उसके अंदर से पानी भी निकलेगा थोड़ा थोड़ा जो टमाटर का रहता है, इसलिए तो हो सके तो जब खाने के लिए बैठना है उसके 10-15 मिनट पहले बनाइए। देखिए आप देख सकते हैं कैसे पानी छूट रहा है, तो ठीक है ऐसे कर लेना है अभी। और प्लीज़ पानी निकालिएगा मत जब खाने के लिए बैठते हैं, तो इसी के साथ में मिक्स करते हुए ही सबको सलाद स्प्रे दीजिएगा।
एकदम से रेडी हो चुका है हमारा वेजिटेबल सलाद। फ्रेंड्स अभी मैं इसका ग्रीन डिश में निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स रेडी है हमारा वेजिटेबल सलाद। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस रेसिपी को पसंद कीजिए, कमेंट दीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी जरूर से कीजिएगा। थैंक यू।